आज हम बनाएंगे प्रिंटेड प्लाजो का एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल डिजाइन। तो इस डिजाइन को हम फैब्रिक पट्टी और मोतियों के साथ बना के रेडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरी और आप सबका स्वागत है गौरी फैशन डिजाइनर में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पट्टी। पट्टी बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 3.25 इंच रखी है और इसको हम ऐसे मोड़ के इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद में हम सुई में धागा लेंगे और इस तरीके से एक साइड से हम इसको बांध लेंगे। और ऐसे बांधने के बाद में अब हम उल्टी साइड से सुई को ऐसे डालेंगे और दूसरी साइड में हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ये बड़ी आसानी से सीधी हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और इस पर हम प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने पट्टी के ऊपर प्रेस कर ली है और सिलाई को मैंने 20 सेंटर में ऐसे सेट कर दिया है। इसी तरीके से मैंने दो पट्टी बनाई हैं, ये देखिए। अब इनको तो हम एक साइड में रख देंगे और ये हमारा प्लाजो है जिस पे हम डिजाइन बनाएंगे। और इसकी उल्टी साइड में मैंने कैनवास पेपर चिपका लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। अगर आप कम चौड़ी मोहरी बनाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई आप कम भी कर सकते हैं। जितना डिजाइन बनाना है उतनी चौड़ाई का आपको कैनवास पेपर चिपकाना है। और ये मैंने नीचे अस्तर लगाने के लिए कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच रखी है। अगर आपके पास प्लाजो में से कपड़ा नहीं बचा है तो आप कोई भी प्लेन कपड़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में इसको हम नीचे की तरफ ऐसे पलट देंगे और इसकी किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इसकी किनारी पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको उल्टी साइड से ऐसे रखेंगे, ये देखिए। और देखिए यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैंने ऐसे मोड़ कर इस पर प्रेस कर ली है। अब हम इस पर उल्टी साइड से ऐसे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कपड़े के बराबर में। तो ये इस तरीके से हमने सिंपल मोहरी मोड़ के तैयार कर ली है। अब हम इस पे डिजाइन बनाएंगे। तो जो हमने पट्टी तैयार की है हम ऐसे रखेंगे और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे बिल्कुल किनारी पे लगाएंगे और अब हम 1.25 इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। और ऐसे सिलाई लगाने के बाद में अब हम पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हम इसी तरीके से पट्टी को हम इस साइड में पलटेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर ऐसे हम लगाएंगे सिलाई तो हमारा डिजाइन बिल्कुल एक जैसा बनेगा। तो इसी तरीके से बस मोड़ते हुए हम इस पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेंगे। एक बार उस साइड मोड़ेंगे और एक बार उस साइड मोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसी तरीके से एक पट्टी यहाँ पर अटैच करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको सीधा निशान लगा लेना है ताकि आपकी पट्टी सीधी अटैच हो। तो यहाँ पर भी मैंने ये अटैच कर ली है। अब ये इस तरीके से हमारा डिजाइन बन गया है। तो पहले हम इस पे एक कोटा अटैच करेंगे 20 सेंटर में और इसकी दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास ऐसा चौड़ा वाला गोटा नहीं है यानी कि चौड़ी वाली लेस नहीं है तो आप पतली पतली लेस से भी डिजाइन बना सकते हैं। और आप यहाँ पे गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो। अब हम जो हमने ये पट्टी को मोड़ा है इसको हम इस तरीके से बिठाएंगे और इस पे प्रेस कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से बिठाते हुए प्रेस कर ली है दोनों पट्टियों के ऊपर। अब हम सुई में धागा लेंगे और 20 सेंटर में ऐसे निकालेंगे। और अब हम देखिए एक कोना ऐसे पकड़ेंगे और दूसरा इस साइड का कोना पकड़ेंगे और ऐसे हम इसको मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ने के बाद नीचे की तरफ हम एक टांका लगा देंगे और इसको पक्का कर लेंगे। अब हम इसमें एक मोती लगाएंगे 20 सेंटर में। तो आप चाहें तो गोल्डन कलर के मोती भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर वाइट कलर के लगा रही हूँ। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा डिजाइन भी बना लेंगे, ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये डिजाइन बनता जा रहा है। और सेम इसी तरीके से हम इसमें भी एक मोती लगाएंगे।
तो ये लीजिए, अब जैसे मैंने ये तीन यहाँ पर ये बनाए हैं, इसी तरीके से हमको पूरी पट्टी पे डिजाइन बनाना है और ऊपर वाली पट्टी पे भी बनाना है। तो ये मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर इस तरीके से डिजाइन बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहा है ना हमारा ये डिजाइन। तो जो प्लेन कपड़ा है वो मैंने अपनी मैचिंग के हिसाब से लिया है और एक मैंने चौड़ी वाली लेस ली है। अगर आपके पास चौड़ी वाली लेस नहीं है तो आप कोई भी पतली लेस का भी यूज कर सकते हैं। तैयार होने के बाद में ये इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना हमारा ये डिजाइन। और यहाँ पर देखिए हम दोनों साइड में एक एक टाँके लगा देंगे तो ये डिजाइन हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।